हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से म्यूटिज के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। जून 2021 के अंदर एक टोकन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था बफ डोज कॉइन। अब इस टोकन ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी की, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको और जो दीगर एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर इसकी लिस्टिंग भी हो रही है। ऐसे में मैंने आप तमाम दोस्तों के सामने एक पिक्चर शेयर की है। अब ये पिक्चर शेयर करने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ समझानी है, इसकी डेवलपर टीम यहाँ पे भैया क्यों शेयर करती है और यहाँ पे जो है वो क्ल्यू के अंदर बताया जाता है कि लिस्टिंग कौन सी एक्सचेंज के ऊपर होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर के अंदर आपको 8 एल नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे लिखा होगा बैंक। अब इसका मकसद यही है कि एल बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगले ही दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट आ चुकी है यहाँ पे लिस्टिंग की। 7 जनवरी 2022 को एल बैंक ने बफ डोज कॉइन को लिस्ट कर दिया। इसकी डेवलपर टीम ने काफी हद तक इस तरीके के क्यू भी दिए हैं और यहाँ पे जो लिस्टिंग का सिलसिला है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। उसके अलावा अगर आप उट करेंगे एल बैंक की कुछ इंटरफेस, तो यहाँ पे भैया 12 PM आफ्टरनून यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग इसकी जो ट्रेडिंग वो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा एल बैंक एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है जिसके ऊपर 864 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी होता है 24 आवर्स के अंदर, और आए दिन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता रहता है। अब इससे यही साबित होता है कि एल बैंक की लिस्टिंग के बाद बफ डोज कॉइन जो दीगर बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है उनके ऊपर भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि एक बार फिर से इस टोकन की ग्रोथ आपको होती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टोकन ने अच्छा खासा ग्रोथ भी किया है, 45,000% का प्रॉफिट भी दिया है इस टोकन ने, और यहाँ पे जो है वो एक नया ऑल टाइम भी आपको होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $20 के टोकन परचेज किए थे 160 दिन पहले, लेकिन अभी रिसेंटली इस टोकन को इन्होंने सेल किए और यहाँ पे 7,000 प्रॉफिट बनाया है और यहाँ पे जो है वो $7,000 का इसने प्रॉफिट भी बनाया है। तो भैया ये एक होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मानता हूँ कि डिफ़िकल्टीज होती है होल्डिंग करने में, यहाँ पे जो है वो पैनिक सेलिंग का माहौल बनता है, कॉइन की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन आप अपनी होल्डिंग पावर को मजबूत रखते हैं तो भैया डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा अगर आप चेकआउट करेंगे रोड मैप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेज 4 और फेज 5 की यहाँ पे बात की गई है। इसके अंदर NFT मार्केट प्लेस, गिव अवे, सुपर लार्ज कम्युनिटी, मीम स्प्रेड लाइक वायरस क्रॉस द ग्लोबल, फर्दर लिस्ट ऑन अदर एक्सचेंजेस, 2,50,000 होल्डर्स, न्यू पार्टनरशिप, ब्रेक न्यू ऑल टाइम हाई। इसके अलावा मेटावर्स, P2E गेमिंग, मोर डोनेशन टू एनिमल्स, मोर डोनेशन टू एनवायरमेंट, वेरी लार्ज वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब, मोर NFT डेवलपमेंट, फर्दर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, हाई मार्केट कैप और यहाँ पे 1 मिलियन होल्डर। अब यहाँ पे ये फेज 4 और फेज 5 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इतना कुछ अब तक होने वाला है और इतना कुछ अब तक हो चुका है। अब ऐसे में इनकी जो रोड मैप्स थे उनके अकॉर्डिंग जो जो इन्होंने चीजें बताई है उनको ये सक्सेसफुली जो है कंप्लीट भी करते जा रहे हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसे में फेज 4 और अगर फेज 5 कंप्लीट हुआ तो इस टोकन के अंदर आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ भी नजर आएगा और पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले दिनों के अंदर बफ डोज कॉइन टू द मून आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें इस टोकन को अभी परचेज करके होल्ड कर सकते हैं क्योंकि buffdoge.io की वेबसाइट भी आने वाली है जिसके ऊपर मेटावर्स के प्रोजेक्ट और जो दीगर अपडेट्स है वो भी आपको देखने को मिलेगी। देन यहां पे आप देख सकते हैं कि ट्विटर हैंडल के ऊपर भी काफी सारे इसके फॉलोअर्स भी हो चुके हैं और अगर आप चाहें तो इसका जो एक बुक ऑफ बफ डोज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर आपको रीड आउट करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाती है, आपका एंटरटेन में भी हो जाता है। उसके अलावा इसके जो टेलीग्राम चैनल्स है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो भैया इसके टोकन के अंदर काफी ज्यादा कुछ होने वाला है जिसके अंदर मोर सरप्राइजेस, मोर एक्शन इन लिस्टिंग, मोर प्रोजेक्ट पार्टनरशिप और जो बहुत ज्यादा होल्डर्स है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मैं आप तमाम दोस्तों को यही रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप चाहें तो बफ डोज कॉइन को परचेज करके होल्ड कर सकते हैं क्योंकि होल्ड इज द गोल्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको मीम टीच की तमाम वीडियोस पसंद आएगी। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में या फिर बफ डोज कॉइन के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।